हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका वीर वोमेन बालियान फैमिली और मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मजे में होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और बस नहाने के बाद अपना वही फेस पे मॉइस्चराइजर लगाना, यही चल रहा है। आज मेरा सोमवार का व्रत है तो मैंने आज बाल भी धोए और टॉवल लपेट रखा है बालों में ताकि थोड़े सूख जाए बाल। और उसके बाद बस फिर मैं पूजा करूँगी क्योंकि अभी तो बच्चों के जाने में काफ़ी टाइम है। बच्चों की गाड़ी 9 बजे आती है तो मैं पूजा कर लूँगी इससे पहले ही, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी बहुत। मतलब मेरे 7 बजे तक मेरा नहाना हो चुका था। कभी कभी मैं लेट उठ जाती हूँ लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल भी खुल गए हैं तो जल्दी उठना ही पड़ता है। कभी कभी तो हो जाता है कि जो लेट उठती हूँ, वरना बस जल्दी उठना पड़ता है, वरना फिर हर काम को लेट होता चला जाता है। उसके बाद बस मैं पूजा कर ली है मैंने और मैं आई हूँ ऊपर छत पे सूर्य देव को जल देने के लिए, क्योंकि अब दिन थोड़े बड़े होने लगे हैं तो सूर्य देव भी जल्दी उदित होने लगे हैं और अब अच्छा मौसम भी होने लगा है। ठंड भी बस ऐसा समझो जा ही रही है, धूप निकल जाती है अब तो रोज़ ही। ये वीर को मैंने नहला दिया है, राधिका नहाने गई हुई है और इसको तैयार कर रही हूँ वीर को मैं। सुबह सुबह बच्चों को पूरा आलस आया रहता है, नहाने के बाद भी देखो इसका फेस ऐसा लग रहा है जिसके इसको अभी नींद आ रही है। बच्चों को भेज के स्कूल में और रसोई का पूरा काम फिनिश कर दिया है मैंने और अब लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू पोछा करने। और ये मैंने अपने मोहन को करना दिया है चूसने के लिए, हाथों से छील के दिया था, चाकू से छील के करना, ये हमारे खेत का ही करना है। तो मेरा मोहन धूप में बैठा हुआ करना चूस रहा है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो रहा है, मेरी नाक बंद हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो ये गन्ने रखे हैं, अब मैं भी चूसती हूँ। इतना जुकाम खांसी होने के बाद ही मैंने ठंडे ठंडे गन्ने चूसे। और अब मैं लग गई दोपहर के खाने में, खाने की तैयारी में। खाने में बस कुछ ज़्यादा नहीं, केवल खिचड़ी बना रही हूँ, काली दाल की खिचड़ी, क्योंकि मेरा तो सोमवार का व्रत है और बस यही खाने वाले हैं। और ये वाली खिचड़ी मुझे सबसे सिंपल लगती है बनानी, क्योंकि इसको ज़्यादा छोंकना नहीं पड़ता। चावल दाल चावल मिला के अच्छे से धो लो और बस पानी डाल के कुकर में बना लो खिचड़ी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पानी जितनी इसमें ज़रूरत है इतनी, और नमक डाल के बस कुकर रख दूँगी, ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी। नाक बिल्कुल बंद हो रही है, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, पर मैंने सोचा चलो थोड़ी ब्लॉगिंग कर ही लेते हैं, कुछ खास तो दिखाई नहीं आज ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा मुझे कफ कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ठंडे गंदे चूस लिए मेरे ऊपर से बस और ज़्यादा हो गया। तो जी फिर से स्वागत है आपका। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मैंने खाना बन चुका है। खाने में क्या, बस सिंपल खिचड़ी बनाई काली दाल की, उड़द की जो काली दाल है वो खिचड़ी मुझे सबसे अच्छी लगती है बनानी, क्योंकि इसमें ना छोंकना पड़ता है ना कुछ नहीं, बस दाल और चावल को अच्छे से मिक्स करो, धो के कुकर में रख दो, पानी डाल के जितना भी उसमें पानी डलेगा और नमक डाल के बस सीटी लगा दो। इतनी सिंपल तरह से बनती है काली दाल की खिचड़ी उड़द की। और सर्दियों में तो हमारे यहाँ बहुत ही खाई जाती है काली दाल की खिचड़ी, अच्छी भी होती है। तो मैंने अपने मोहन की थाली लगा दी है, देखिए ये लगा दी मैंने अपने मोहन की थाली खिचड़ी। खिचड़ी में मैंने माखन डाल दिया है, तुलसी दल और जल रख लिया है, दही और मिठाई, ये प्रसाद में आई थी कहीं से तो वो मिठाई लगा रख दी है मैंने मीठे में। तो लगा देती हूँ अपने मोहन को भोग, ले जाती हूँ अपने मोहन के लिए प्रसाद। मोहन खाना ले आई मैं, तो ये रही मेरी मोहन। भोग लगा देती हूँ अपने मोहन को मैं,
तो बच्चे भी स्कूल से आने के बाद खाना खा लिया बच्चों ने और लग गए हैं ये भी गंदा चूसने। राधिका को देखो कितनी गर्मी लग रही है, बस इनर पहन लिया खाली, ऊपर से कुछ पहना भी नहीं, कह रही कि मुझे तो गर्मी लग रही है, पहना ही नहीं इसने। और मैं भी लग गई हूँ गंदा चूसने, जिस जो कि मुझे नुकसान देगा, दिया गंदे ने बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा मुझको जुकाम हो गया। ठंडा ठंडा गन्ना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा गन्ना। ये हमारे खेतों के गन्ने हैं तो बहुत ही, मतलब रात को ना गन्नों को उसमें रख दो और जब सुबह अगले दिन चूसो ना, ठंडा ठंडा रस बहुत ही अच्छा लगता है गन्ने का। और ताजे गन्ने वैसे भी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं चूसने में, तो बहुत ही मीठे सॉफ्ट गन्ने थे तो बहुत अच्छा लग रहा था चूसना। मैंने भी कहा देखा जाएगा, जुकाम होगा तो हो जाए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था चूसना। चूस चूस के हमने एक टब भर दिया था छिलकों से। आज उदय की तबीयत खराब हो गई, ऐसे हो गया है बुखार है, इतने बहुत गर्म हो रहा है, दवाई भी मतलब दवाई भी दे रहे हैं पर पता नहीं उतर क्यों नहीं रहा बुखार। कहते क्या हो रहा, कैसे हो रहा बुखार, सबको राधे राधे बोलो, हाथ जोड़ के चलो राधे राधे बोलो। इसमें भी बोलना नहीं आता तो हाथ जोड़ लेता है ऐसे, राधे राधे बोल लेता है ये। और भी क्या हुआ, चल बेटे किताब कब से आ रही है, घंटा हो लिया ना स्कूल से आए, एक बार इन्होंने अब तक किताब नहीं खोली, कब से कह रही बेटे बहुत देर होगी खेलते हुए, 3 बजे आ गए थे और अभी तक इन्होंने किताब नहीं देखी, क्या वर्क मिल रहा है इन्हें, कैसे बुखार हो रहा बता दे, कैसे हो रहा बुखार, कहाँ हो रहा बुखार, हाथ लगा के बता दे कैसे हो रहा बुखार, यानी अपने सिर के हाथ लगा के बता दो कहाँ पे हो रहा बुखार, यहाँ पे गरम गरम हो रहा, अल्लाह करो देखो करंट लग रहा फुट। हाँ भैया देखो रहा भैया, हाँ कुछ भी खाया पिया नहीं इसने, दूध भी नहीं पिया और इसने आज खाना कुछ भी नहीं खाया, खाता था कुछ है ही नहीं पर दूध पी लेता है वो भी नहीं पिया। अब लगी हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए क्योंकि बहुत देर से मस्ती कर रही थी ये, और वीर तो अपनी मैम ने काइट दी है, काइट की तैयारी कर रहा है, बना रहा है उसमें कलरफुल काइट, तिरंगे वाली काइट बना रहा है। और आतिका को भी ड्राइंग में मैम ने वर्क दिया है तो पहले ड्राइंग का काम कर रहे हैं ये। हाय, तो स्वागत है आपका फिर से। तो मैंने है ना अभी ड्राइंग बनाई है, मतलब मैंने क्या, मम्मी ने बनाई है मेरी मम्मी, ये मैंने ये लीव्स बनाई है, जो ये वाली लीप है ये तो है गुलाब की, और वो जो उधर है वो मैंने बनाई है, ये तरीके से थोड़ी ना बना। और वीर ने बनाई है काइट, और ये लिखने लग रहा है यहाँ पे KIT काइट। मुझे राइटिंग करनी है और मैथ की प्रैक्टिस करनी है अभी, तो 5 बजने वाले हैं, हमने 2 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए, अब देर तक करना पड़ेगा फिर दूध निकलवाने। मैं तो जाऊंगी नहीं, वीर ही जाएगा, वीर का तो थोड़ा वैसे थोड़ा ही वर्क है वो तो कर लेगा। अभी हम उदय के साथ खेल रहे थे, उसके बहुत तेज फीवर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज, अब वो दूध पीने गया है, वैसे उसने कुछ खाया पिया तो है नहीं, उस फिर उसे दवाई दी चाची ने और अब दूध पिला रही है, जितना उसने खाया था ऐसे ऐसे ही खाया था, गन्ना खाने लग रहा था वो हमारी साथ। यही मम्मी, मम्मी के भी बहुत तेज जुकाम हो रहा है, पापा के और भी कल छाछ, मम्मी छाछ कर रखी जाए, ये इस बच्चों के पापा ने भी ठंडी छाछ पी ली थी और उनके भी जुकाम हो गया, और कफ मम्मी की हो रही है नाक बंद, तो मम्मी विक्स इनहेलर से सांस लेने लग रही है। ओके खुल गई क्या मम्मी, थोड़ी खुल गई, खुल जाएगी थोड़ी सी और धीरे धीरे खुलेगी, एकदम से तो खुलेगी नहीं। और फिर यहाँ पे कलर करने लग रहा है इसमें, मैं भी करूंगी अभी से कंप्लीट। मम्मी इस पे क्या करना है, कलर कर ले। यहाँ पे राधिका बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे दोनों एक ही दिन है, तो उसके लिए सरस्वती वंदना की तैयारी कर रही है, इसने सरस्वती वंदना में भी इसने भाग लिया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर ली है राधिका 26 जनवरी के लिए। तो जी आज का ब्लॉग बस यहीं पर विराम देती हूँ मैं, और आज के ब्लॉग में पता नहीं आपको मेरा कुछ बोला हुआ समझ में आया है नहीं, क्योंकि कफ कोल्ड की वजह से मेरी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रही थी, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था।
पर मैंने सोचा चलो फिर भी ब्लॉग, मैंने जो ब्लॉगिंग की थी उसे थोड़ा ओवरवॉइस कर लूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं पर रोकती हूँ, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे और प्लीज़ ठंड से बच कर रहे, बेहतर बीमार ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। राधे राधे। थैंक यू।